वेलकम फ्रेंड, आज का वीडियो बहुत खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड आज का वीडियो फुल वॉच करना और आखिर तक देखना। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कितने HP के मोटर के लिए हम कितने का रिले यूनिट यूज़ कर सकते हैं, फिर यानी कितने का स्टेटा हम यूज़ करने वाले हैं। फ्रेंड उसके बारे में हम फुल डिटेल से जानने वाले हैं। तो फ्रेंड वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें, वीडियो का फुल देखकर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स। फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रिले यूनिट के बारे में। फ्रेंड कि रिले यूनिट हम कितने HP मोटर के लिए सिंगल फेस हो या थ्री फेस हो, दोनों के डाटा हम यहाँ पे सेव करने वाले हैं। फ्रेंड फ्रेंड आप यहाँ देख सकते हैं सिंगल फेस 180 वोल्ट से लेकर 220 वोल्ट जो सिंगल फेस हमारे नॉर्मली घर पर आता है। फ्रेंड यहाँ से 280 से लेकर 415 वोल्ट और उसके साथ में 380 से लेकर 440 वोल्ट के बीच में हम डालने वाले हैं फ्रेंड रिले यूनिट के बारे में। फ्रेंड हमारा 440 वोल्ट थ्री फेस के लिए रहने वाला था। सबसे पहले आप देख सकते हैं 0.5 HP की जो हमारी मोटर है फ्रेंड उसके लिए इसमें डाटा दिया गया है। थ्री फेस के लिए 0.5 HP में 1 से 6.5 एम्पीयर का रिले यूनिट हम यूज़ करने वाले हैं। फ्रेंड उसके बाद में हमारे पास आ जाए 0.75 HP के जो रहता है उसमें भी हम 1 से 6.5 एम्पीयर का रिले यूनिट है जो कि फ्रेंड हम यूज़ करने वाले हैं, जो कि फ्रेंड हमारे नॉर्मली ये यूज़ अभी नहीं किए जाते हैं। फ्रेंड उसके बाद में फ्रेंड हमारा जो अगला रिले यूनिट जो होने वाला है फ्रेंड वो है कि जिस प्रकार के फ्रेंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम इसी प्रकार से फ्रेंड हमारा थ्री फेस के लिए 1 HP मोटर के लिए हमारा रिले यूनिट रहने वाला है 1.5 से 2.5 एम्पीयर का रिले यूनिट हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। फ्रेंड्स अगला जो हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है 1.25 HP के लिए। फ्रेंड्स हमारे से 1.5 से 2.5 एम्पीयर का ही रिले यूनिट हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। फ्रेंड ये भी कोई ज़्यादा लोड नहीं लेने वाला है। उसके बाद में फ्रेंड हमारा सिंगल फेस का आ गया 0.5 HP में हम फ्रेंड 2.5 से 4 एम्पीयर का रिले यूनिट यूज़ करेंगे और सिंगल थ्री फेस में हम 1.5 HP की मोटर के लिए हम 2.5 से 4 एम्पीयर का रिले यूनिट करेंगे। उसके बाद थ्री फेस के लिए 1.25 HP की जो हमारी मोटर रहने वाली है फ्रेंड उसमें भी हम 2.5 से 4 एम्पीयर का रिले यूनिट यूज़ करने वाले हैं। फ्रेंड फिर जो डाटा है ये एकदम कंपनी का एकदम परफेक्टली हमने डाटा यहाँ पर नोट करके रख रखा है, वही डाटा है फ्रेंड, आप इसमें निश्चिंत रहिएगा। फ्रेंड उसके बाद में हमारा 2 HP थ्री फेस के लिए जो हमारी मोटर रहती है फ्रेंड उसके लिए हम 2.5 से 4 एम्पीयर का ही रिले यूनिट यूज़ करने वाले हैं, यानी कि स्टार्टर यूज़ करने वाले हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड उसके बाद हमारा आ गया सिंगल फेस के लिए 0.75 HP में फ्रेंड्स हम 4 से 6.5 एम्पीयर का ही रिले यूनिट यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद में थ्री फेस के लिए फ्रेंड्स हमारा 2.5 HP की जो मोटर रहती है उसमें भी हम 4 से 6.5 एम्पीयर का रिले यूनिट यूज़ करने वाले हैं। फ्रेंड्स फ्रेंड अगर आपने अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों जाके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में शेयर करना ना भूले फ्रेंड वीडियो अगर अच्छी लगे तो। फ्रेंड अगला जो डाटा है हमारा थ्री फेस के लिए 3 HP मोटर जो हमारी रहती है फ्रेंड उसमें भी हम 4 से 6.5 एम्पीयर का रिले यूनिट यूज़ करने वाले हैं फ्रेंड, जो कि काफ़ी अच्छा और अच्छा वर्किंग जो इसका स्टेज रहता है फ्रेंड। फ्रेंड हमें ज़्यादा एम्पियर का जो है कि रिले यूनिट लेने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर अगला जो हमारा थ्री फेस के लिए 4 HP में जो आ गया फ्रेंड वो 4 से 6.5 एम्पियर का ही यूज़ करने वाला है। अगला फिर रहने वाला हमारा सिंगल फेस के लिए 1 HP मोटर में फ्रेंड हम 6 से 10 एम्पियर का रिले यूनिट यूज़ करने वाले और 4 HP की मोटर के लिए भी फ्रेंड्स हम यहाँ पे हम 6 से 10 एम्पियर का रिले यूनिट यूज़ कर सकते हैं, यानी कि फ्रेंड हम दोनों। फ्रेंड अगला जो हमारा जो है वो है कि 1.25 यानी कि सिंगल फेस के लिए जो फ्रेंड्स हमारा होता है 1.25 HP मोटर के लिए हम 6 से 10 एम्पियर का रिले यूनिट यूज़ करने वाले हैं। 5 HP मोटर के लिए भी थ्री फेस में फ्रेंड्स हम 6 से 10 एम्पियर का रिले यूनिट ही यूज़ करने वाले हैं। फ्रेंड अगला जो हमारा रहने वाला है जो कि सिंगल थ्री फेस के लिए 6 HP मोटर के लिए रहेगा फ्रेंड वो रहना उसमें भी हम फ्रेंड थ्री फेस की जो 6 HP की मोटर रहती है फ्रेंड उसमें भी हम 6 से 10 एम्पियर का रिले यूनिट यूज़ करने वाले हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड अगला जो हमारा रहने वाला है वो कि सिंगल फेस के लिए 1.5 HP का जो हमारा मोटर रहेगा फ्रेंड उसमें रहने वाला है 9 से 9.14 का जो हमारा रिले यूनिट रहता है फ्रेंड वो यूज़ करने वाले हैं। और जो थ्री फेस में 7.5 की जो हमारी मोटर आती है फ्रेंड उसमें भी हम 9.14 का रिले यूनिट यूज़ करते हैं, लेकिन फ्रेंड नॉर्मली जो है कि हम 7.5 की मोटर के लिए भी हम जो 20-32 का ही हमारे यहाँ पे जो कि रिले यूनिट यूज़ किया जाता है फ्रेंड। अब इसके नीचे वाले में फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल फेस के लिए आपके जो 1.25 के लिए फ्रेंड 9.14 का रिले यूनिट यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद में सिंगल फेस के लिए जो फ्रेंड हमारा 1.5 HP की जो मोटर रहती है फ्रेंड्स उसमें भी फ्रेंड हम जो कि 10-16 का रिले यूनिट यूज़ करने वाले हैं। 7.5 के जो थ्री फेस मोटर रहती है फ्रेंड उसमें भी 10-14 का ही रिले यूनिट यूज़ करने वाले फ्रेंड। यहाँ पर सिंगल फेस के लिए 2 HP की जो मोटर रहती है फ्रेंड उसमें हम 13-21 का रिले यूनिट यूज़ करने वाले हैं और 7.5 की जो हमारी मोटर रहती है फ्रेंड उसके लिए भी हम 13-32
21 का ही रिले यूनिट यूज़ करने वाले हैं। फ्रेंड हमारे जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स 5 की मोटर से लेकर, तो हमारे यहाँ पे 12 HP की मोटर जो दी गई है फ्रेंड, यहाँ पे हम 20-32 का ही रिले यूनिट ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि फ्रेंड हमारी मोटर का एम्पियर कभी भी घट सकता है, कभी भी बढ़ सकता है। इसलिए फ्रेंड 5 HP, 7 HP, 6 HP, 6.5 HP, 10 HP तक हम फ्रेंड 20-32 का ही रिले यूनिट हमें परफेक्ट यूज़ करना चाहिए फ्रेंड, क्योंकि हमारे एम्पियर कभी भी घट सकते हैं, कभी भी बढ़ सकते हैं। इसलिए फ्रेंड 5, 6, 7 और 7.5, 10 HP तक हमें 20-32 का ही रिले यूनिट यूज़ करना चाहिए फ्रेंड। फ्रेंड आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर वीडियो में अगर आपको ये डाटा सेव करना है तो फ्रेंड आप इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं फ्रेंड। उसके बाद में हमारा फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो 12 HP से 15 HP, 16 HP की जो हमारे मोटर होती है फ्रेंड, उसमें हम जो है कि फ्रेंड 28/42 या 30/42 का रिले यूनिट यूज़ करने वाले हैं फ्रेंड, ताकि 30/42 का ही रिले यूनिट हमें यूज़ करना चाहिए। ओके फ्रेंड, मिलते हैं किसी नेक्स्ट।